आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल छाया मिश्रा में। गाइस देखिए ये हमारे सूजी और सूजी के लड्डू, सूजी मलाई लड्डू। और देखिए इसमें हमने कोई तीसरी इंग्रेडिएंट नहीं यूज किया है, सूजी मलाई और चीनी ऐड करी हुई है। तो आप लोग देखिएगा, और उनको हमने फ्राई भी नहीं किया है, ना चाशनी ना फ्राई करना, कुछ भी नहीं है। और हमने इनको कुकर में बनाया है, तो देखिए कैसे बनाया है। और अगर हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। एक मिनट, हम आपको लड्डू भी तोड़कर दिखा रहे हैं। ये देखिए कितना मॉइस्ट और कितना अच्छे से बना हुआ है, पास से हम दिखा रहे हैं। तो प्लीज आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हमारी पूरी वीडियो देखें। अगर हमारी पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तो आप लोगों को कैसे समझ में आएगा। तो प्लीज पूरी वीडियो देखने के बाद भले आप उसको डिसलाइक कर दें, बट उसे देखें जरूर। देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि हम इस वीडियो में जो समझाना चाहते हैं आपको समझा पाए हैं या नहीं। तो प्लीज अगर हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। एक बात और गाइज, अगर आपके घर में गेस्ट आए हैं, कुछ भी मीठा नहीं है पानी देने के लिए, तो ये फटाफट 5 मिनट में बनकर तैयार होते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे। देखिए आज हम बनाने जा रहे हैं 2 से 3 इंग्रेडिएंट को लेकर के गणेश चतुर्थी के लिए भोग, ठीक है। तो हम बनाएंगे आज सूजी मलाई लड्डू। तो ये देखिए एक कटोरी हमने सूजी लिया है, जो कि हम इसे स्ट्रेनर से छान लेंगे अच्छे से। ऐसे बनाते हैं, अच्छे से कुकर में बनाएंगे। तो ये हमने मलाई ली है एक कटोरी, तो इसमें से पहले हम जो थिक वाली मलाई होती है, ताजी ये मलाई लें आप, घर की मलाई ताजी वाली, ठीक है। तो ये हमने मलाई डाली है, ये देखिए 2 स्पून मलाई हमने ली है, तो इसको हम मिलाएंगे। एक बात और गाइस याद रखिएगा कि आप सूजी आप किसी भी तरह से ले सकते हैं, मोटी या महीन। बस थोड़ा सा मोटी में थोड़ी सी ज्यादा मोयन की तरह लगेगा, और जो महीन होगा उसमें थोड़ा सा कम लगेगा। तो इसी तरह से हम अच्छे से हाथ से बढ़िया से मिला लेंगे, मॉश कर लेंगे इसको। ये देखिए गाइस, हमने इतनी ज्यादा मतलब इतनी मलाई मिलाई है कि हम ऐसे लड्डू बांध रहे हैं तो हमारे लड्डू की तरह डो बन रहा है, ठीक है। तो इसको हम अच्छे से मिला लिए हैं। तो चलिए आप देखिए, देखिए आप लोग वीडियो प्लीज स्किप मत किया करिए, वीडियो पूरा देखा करिए, जिससे कि आप लोगों को समझ में भी आए। और हम कोशिश भी करते हैं कि आपको छोटी से छोटी वीडियो दें, बट वही बात है कि कुकिंग में हम कितना भी क्या सोचते हैं कि आप लोगों को हम कोई भी ट्रिक ऐसी ना हो जो हम आपको बताएं नहीं, जिससे कि आप एक बार में ही वो चीज बनाए, परफेक्ट बने। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो पूरी देखें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। तो चलिए देखते हैं अब इसको क्या करना है। ये देख सकते हैं गाइस, उसी तरह से लोटा लिया है। देखिए इसको हम फ्राई भी नहीं करेंगे, और इस लोटे में अपना भर लेंगे। देखिए क्योंकि हमारे पास यही एक ऐसा बर्तन है जिसकी पेंडी थोड़ी सी हैवी है, ठीक है, जो कि हम कुकर में अच्छे से रख सकेंगे, क्योंकि हमें कुकर में बनाना है ये, ठीक है। और बहुत ही मॉस्ट और बहुत ही अच्छे से मुलायम लड्डू बनेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए गाइस, इस तरह से हम ग्लास, आधी ग्लास, हाफ ग्लास पानी हमने रख डाला हुआ है इसमें, ठीक है। और हम अपना लोटा ऐसे रख देंगे इसके अंदर, एक मिनट हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए गाइस, इस तरह से ढकेंगे और उसको बंद कर हम फ्लेम पर चढ़ा देंगे। और चढ़ाने के बाद 10 से 12 सीटियां हम इसमें बुलवाएंगे। ये देखिए गाइस, अगर आपके पास इस तरह का बर्तन हो तो आप इस तरह का भी बर्तन यूज कर सकते हैं, बट हमारा ये बर्तन बड़ा है जो कि कुकर में एडजस्ट नहीं हो रहा था। और ये जो टिफिन है हमारा, तो ये आ सकता है, लेकिन जो इसके पीछे की तली है ये बहुत हल्की है, इस वजह से ये नहीं उसमें एडजस्ट हो रहा था। तो ये दोनों हमने हटा दिए, इसीलिए हमने लोटे को किया हुआ है, ठीक है। तो चलिए ये काम हो जाता इस, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए कुकर रख दिया है हमने हाई स्पीड पर। हाई स्पीड पर एक सीटी लगाएंगे और उसके बाद में हम इसको लो कर देंगे, और लो करने के बाद 10 से 12 सीटियां बुलवाएंगे, उसके बाद मिलते हैं। बिसल निकल चुकी है, उसको हम ओपन करेंगे और देख लेंगे अपना। ये देखिए, अब देखिए गाइस, इसमें से ये सारा बैटर निकाल लेंगे, ठीक है। ये देखिए सारा निकल आया, देखिए तली में भी जला भी नहीं है बिल्कुल भी। तो अब इसको हम, और आप इसका कलर देख सकते हैं गाइस, कि जैसा हमें चाहिए बिल्कुल वैसा है। तो इसको अब हम ठंडा होने देंगे थोड़ी देर के लिए, फिर मिलते हैं आके। देखिए गाइस ठंडा हो चुका है, तो हमें अपनी ऐसे जो ये गांठे हैं ये तोड़ देनी है, और अगर नहीं टूट रही है आप किसी कारणवश तो एक और आइडिया बताते हैं। देखिए हमारी वीडियो,
देखिए गाइस इस तरह से मिक्सी का जार लीजिए और उसमें अपना ये भर दीजिए इस तरह से। देखिए गाइस भर दिया है। अब इसको हम पीस लेंगे, थोड़ा सा ग्राइंड करेंगे लेकिन पल्स मोड पर, रेगुलर नहीं ग्राइंड करेंगे वरना बिल्कुल पिस जाएगा, तो इसको हम पल्स मोड पर पीसेंगे। ये देखिए गाइस पल्स मोड पर पीसने के बाद ये देखिए हमको मिल जाएगा फाइन जैसा हमें चाहिए। आप चाहे छानना चाहे छान सकते हैं, बट हम तो ऐसे ही रखेंगे क्योंकि दाने दाने अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो ये बन गया हमारा। ये थोड़ा सा हमें ड्राई लग रहा है तो देखिए इसमें हम अब क्या इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए गाइस उतनी ही हमारी ये चीनी है। ठीक है, तो इसको हम चीनी जितना हमारा जितनी हमारी सूजी थी एक कटोरी उतनी ही हमने चीनी ले ली है बराबर क्वांटिटी में। आप थोड़ा सा कम या ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम मिक्स करेंगे। देखिए अब इसमें जो ड्राई फ्रूट आपको डालने हैं वो डाल सकते हैं, बट हमारे बच्चों को थोड़ा सा किशमिश ही पसंद ज्यादा है तो हम वही सिर्फ डालेंगे। और इलायची के दाने, ये देखिए थोड़ी सी इलायची के दाने हम डालेंगे। ठीक है, और अब गाइस देखिए आप लोग घी अगर आपको पसंद है आपको तो ठीक है घी आप ऐड कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें मेल्ट करके। और अगर आप घी नहीं ज्यादा प्रेफर करते, ज्यादा मतलब डाइटिंग पर रहते हैं, तो दूध थोड़ा सा डालिए, दो स्पून थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में डालें क्योंकि चीनी है मेल्ट हो सकता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा डालें। और इतनी कंसिस्टेंसी के लिए डालना है कि बस अच्छे से लड्डू बन जाए और नहीं चाहिए ज्यादा। ठीक है, तो देखिए बांध के देखते हैं, बंद रहे लेकिन अभी बिखर रहे हैं, तो एक स्पून हम और ऐड करेंगे इस तरह से। देखिए गाइस हमने एक स्पून ही और डाला था, यानी हमारे थ्री स्पून लगे हैं और हम लड्डू बना रहे हैं, तो ये लड्डू बन रहा है हमारा, तो इसी तरह से लड्डू बना लेंगे। और आप अगर चाहें मोदक बनाना तो इसमें थोड़ा सा दूध और ऐड करना पड़ेगा, आपके मोदक भी बन जाएंगे। ये देखिए गाइस कितना क्यूट सा लड्डू बनकर रेडी हुआ है। तो चलिए ऐसे सारे लड्डू बनाते हैं फिर मिलते हैं। ये देखिए गाइस हमारे लड्डू बनकर रेडी हैं। ये देखिए गाइस हमारे लड्डू बनकर रेडी हैं, सूजी के लड्डू बिना हमको फ्राई करे हुए। ये भी टेंशन नहीं कि हमें चाशनी बनानी है या हमारी चाशनी गाढ़ी हो गई है या हमारा मटेरियल है वो ठीक हो गया है जो लड्डू बन नहीं रहे हैं, तो कोई भी नहीं, बहुत आसान से बहुत इजी ढंग से बन जाते हैं। और ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं टेम्पटिंग। और एक तोड़ कर भी दिखाते हैं, ये देखिए कितने यम्मी और कितने जूसी हैं। कोई कह सकता है आपसे कि आपने अच्छे से नहीं बनाए, बहुत आप घर में बनाइए। और ये देखिए अगर किसी कारणवश फूट जाते हैं या बिगड़ जाते हैं तो आप फिर से इनको बना सकते हैं। ये देखिए फिर से बिल्कुल कहीं से कोई कह सकता है कि टूटा हुआ है, तो इतना टेस्टी और इतना यम्मी बनाने के लड्डू बनाने के लिए आप हमारी पूरी वीडियो देखें प्लीज गाइस। एक और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारी पूरी वीडियो देखा करें, फिर लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको वीडियो समझ में नहीं आएगी, इसलिए प्लीज थोड़ा सा हमें सपोर्ट करें और हमारी पूरी वीडियो देखें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी के साथ।